YouTube, आई एम दीप्ति हियर। ये जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए हमें रोज मास्क एंड सैनिटाइजर की जरूरत है, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। हम लोग तो जो नॉर्मल मास्क है वो यूज करते हैं, पर मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे डिजाइनर एंड स्टाइलिश मास्क बनाते हैं, जो हमारे फेस के हिसाब से एडजस्ट होके रहता है और बहुत स्टाइलिश भी दिखता है। जैसे यहाँ पे ओपन नहीं रहता है, यहाँ पे भी आराम से फिट होके रहता है। ये हम लोग घर पे रह के आराम से बना सकते हैं। मैं कितना डिजाइनर मास्क बनाए हूँ, ये इजीली आप लोग घर के सामान से बना सकते हो। ये बनाने के लिए इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इजीली कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे मैं आपको नया नया वीडियो आपको दिखाऊंगी। वो बनाने के लिए हमें चाहिए, पहले हमें चाहिए मेजरमेंट। हम कपड़े में भी डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, पर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए मैं एक डायग्राम पेपर में बना के आपको दिखाती हूँ, जो आपको और भी ईजी रहेगा बनाने के लिए। ये लेंथ एक हम ट्रायंगल रेक्टेंगल का एक बॉक्स लेते हैं, उसका लेंथ हम 18 सेंटीमीटर लिए हैं। वो जो सेंटीमीटर है इसमें 18 सेंटीमीटर देख रहे हो आप, 18 सेंटीमीटर हम ये साइड में लेंथ के साइड में लिए हैं, और ये साइड में हम 15 सेंटीमीटर लिए हैं। 18 सेंटीमीटर को हम हाफ कर दिए हैं 9 सेंटीमीटर में, ये साइड में भी 9, तो ये लाइन को हम जोड़ दिए हैं, क्योंकि वो हमारा हो गया मिडिल पॉइंट। तो हमें बनाने के लिए इजी रहेगा। ये जो मिडिल पॉइंट है हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, और ये साइड में हम 5.5 सेंटीमीटर में एक पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पे वैसे ही सेम 4.5 सेंटीमीटर में एक पॉइंट दिए हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट्स और ये मिडिल पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को हम एक हाफ सर्कल बना देते हैं। ये हो गया हमारा फेस का, नोज के साइड का। और यहाँ पे हम मिडिल से, यहाँ से 4 सेंटीमीटर में एक पॉइंट, यहाँ से 4 सेंटीमीटर में एक पॉइंट दिए। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम एक एल शेप का डायग्राम बनाते हैं। तो ये मिडिल में फिर हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर में एक पॉइंट दे देते हैं। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके ये एक कर्व लाइन बना देते हैं, और ये जो लास्ट में जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम एक और एक कर्व लाइन बना देते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है, ये हो गया हमारा डायग्राम। इसको हम कपड़े में रख के पॉइंट देके कपड़ा कट कर लेंगे। इसी हिसाब से आप देख रहे हो, मैं इसे कपड़ा कट किया हूं। आपको इसे दो फोल्ड रख के कपड़ा को आप कट कीजिए, तो हमें इसे मिलेगा। ऐसे करके कपड़ा मिलेगा। अंदर में आप सेम कपड़ा भी दे सकते हो, नहीं तो लाइनिंग वाला कपड़ा भी दे सकते हो। ये मैं दो लाइनिंग वाला कपड़ा भी लिया हूं। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो बाहर की तरफ रहेगा उसको हम अंदर डालेंगे, और ये साइड में स्टिच बनाएंगे, ये कर्व साइड में, और लाइनिंग में भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये कर्व साइड में स्टिच लगाएंगे। दोनों को स्टिच करने के बाद हमें ऐसे करके मिलेगा। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके मिलेगा। बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसको ऐसे बाहर की तरफ रखते हैं, और इसको भी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ रख के, ये जो स्टिच है ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ रहेगा। तभी हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे कपड़ा को। रख के हम क्या करेंगे, ये दो साइड को ओपन रखेंगे, और ये जो लंबा
दो साइड है, ऊपर की साइड में और नीचे के साइड में, हम आराम से यहाँ से स्टिच स्टार्ट करके यहाँ तक खत्म करते हैं। सेम ऐसे ही ये साइड में भी करेंगे, पर ये दो साइड को ओपन रखेंगे। ऐसे करने के बाद हमें ऐसे टाइप का मिलेगा जैसे हम स्टिच किए हैं। तो देखिए ऐसे स्टिच किए हैं, ऐसे करके ये साइड में भी कर दिए, तो ये भी आराम से एडजस्ट हो सकता है, ये लाइनिंग और ये। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो ओपन वाला है इसको हम उलट लेंगे। तभी ये जो स्टिच सभी अंदर रह जाएगा। से एडजस्ट हो जाएगा, बाद में आप थोड़ा प्रेस कर देंगे तो वो इजीली रह जाएगा। वो हम ये सभी हम बिना मशीन का स्टिच कर रहे हैं, वो इजीली हाथ में भी कर सकते हैं। तभी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड है हम इसको थोड़ा अंदर ऐसे घुसाएंगे, अंदर घुसा के हम इसे दो इलास्टिक लिए हैं। ये साइड में और ये साइड में, ऐसे दोनों साइड ऐसे आप रख के आप ये साइड में स्टिच कर दीजिए। वैसे ही सेम यहाँ पे भी आप कपड़े को ऐसे अंदर रखिए और ऐसे करके दोनों साइड बंद कर दीजिए। बाद में इसको आराम से आप प्रेस कर लीजिए तो ऐसे वाला आपको मास्क मिल जाएगा। देख सकते हो ये सेम मैं ऐसे ही बनाई हूँ। आपको अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है ना। सेम ऐसे भी मैं डिफरेंट कपड़े से ये वाला भी बनाई हूँ। और बच्चों का आप बना रहे हो तो थोड़ा छोटा माप लेके बनाइए, तभी ये अच्छा रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।